जी ये क्वेश्चन है जी डिवोर्स के बारे में। तो ये लिखते हैं कि तलाक 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 तीन दफ़ा होनी ज़रूरी है, एक ही दफ़ा काफ़ी है, तलाक का सही प्रोसीजर क्या है? तलाक देने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके दिल में तलाक का ख्याल क्यों पैदा हुआ है। आप इश्तियाल में हैं, आप गुस्से में हैं, आपको कोई वक्ती रंज हो गया है, तो इत्मीनान के साथ एक गिलास पानी पी के अपने आप को ठंडा करें। इसलिए कि इश्तियाल के आलम में, गुस्से के आलम में तलाक नहीं दी जा सकती और होती भी नहीं है। जब आप ठंडे दिलो दिमाग के साथ फैसला कर लें कि आपको तलाक देनी है, जिसको कुरान ने कहा है फ़ैन अज़म उत्तलाक, यानी आपने बाकायदा सोच कर समझ कर इरादा कर लिया, इरादा कर ले तो देखें बीवी की हालत क्या है। अगर वो अय्याम से है तो आप तलाक नहीं दे सकते। अगर अय्याम के बाद आप उससे कुर्बत कर चुके हैं फिर भी तलाक नहीं दे सकते। इन दोनों चीज़ों का पूरी तरह जायज़ा लेकर अब आप दो आदमियों को बुलाएंगे गवाह के तौर पर, और फिर आपको हक है कि आप तलाक दें। और एक तलाक, हमेशा एक, कभी दो भी नहीं, कभी तीन भी नहीं, इसका ख्याल भी दिल में ना लाइए, एक तलाक। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था जिन लोगों ने तीन तलाक दे दी कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह की किताब से खेल रहे हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये बिल्कुल आखिरी दर्जे में एक हराम चीज़ है, एक तलाक। तो प्रोसीजर ये है कि अगर जब एक तलाक दे देगा कोई आदमी इस सारे मरहले से गुजर कर, तो फिर तीन महीने तक मजीद मोहलत है कि जिसमें वो अपने इरादे पर नज़रसानी कर सकता है। अगर तीन महीने गुजर गए, तलाक हो गई, बीवी जुदा है, वो जहाँ चाहे शादी कर ले, एक तलाक दी है, कोई और तलाक नहीं, जुदाई हो गई, वो भी आज़ाद, मर्द भी आज़ाद, अगर दरमियान में फैसला कर लिया कि नहीं निभा करना है, कोई अहबाब बीच में पड़े, आदमी को खुद गलती का एहसास हुआ, अब उसके कोई 10 साल 20 साल बाद दोबारा कोई झगड़ा हो गया या कोई मसला हो गया और आदमी ने फिर उसी तरह इसी प्रोसीजर से गुजर कर दोबारा तलाक का फैसला किया, तो इसको दूसरी तलाक कहते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? ये तलाक भी बिल्कुल उसी तरह उसी मरहले से गुजरेगी, यानी तीन महीने में आप चाहें तो फैसला वापस ले लें, चाहें तो तीन महीने गुजर जाने दें। अगर इस मर्तबा भी तीन महीने गुजर गए तो बीवी अलग, शौहर अलग, आप जब चाहें दोबारा उससे शादी कर लें। अगर आपने तीन महीने के अंदर फैसले को वापस ले लिया और फिर कोई 4-5 साल के बाद इसी हमाकत को दोबारा दिल चाहा, तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी हक भी दिया है, इसको कहते हैं तीन मर्तबा तलाक का हक। यानी एक मर्द को एक रिश्ता या निकाह में तीन मर्तबा तलाक का हक दिया गया है, ना कि तीन तलाक कोई चीज़ होती है। ये महज़ब तरीन अल्फाज में नॉनसेंस है। लगता है कि एजुकेशन की कमी है, क्योंकि मुसलमान मर्दों की तसल्ली नहीं होती जब तक वो 5-7-10-50 देना बैठे। यही बात है, यानी जब तक वो गुस्से में ना हो, इश्तियाल में ना हो, जब तक वो बदज़बानी पर ना उतर आए उस वक्त तक, और जब तक कम से कम 1000 तलाक, बल्कि उनका दिल अगर चाहे और वाकई तसल्ली उनकी तभी होती है जबकि ननिहाल दध्याल पर भी तलाक डाल दे, तो ये बिल्कुल एक हराम काम है, इसके करीब भी किसी शख्स को नहीं जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमने बिल्कुल एजुकेट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, बाज़ औक़ात मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे पास लोग आते थे और किसी आलिम ने, यानी वो तलाक देने के लिए किसी आलिम के पास चले गए, निकाह रजिस्ट्रार के पास चले गए, मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले गए, और वो तीन तलाक का कागज़ लिख के उनको दे देता था, जो बिल्कुल एक हराम काम है। तो एक ही तलाक होती है, हमेशा एक, कभी दूसरी का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। दूसरी और तीसरी का मतलब है कि तलाक दे के फैसला वापस लिया, दोबारा नौबत आ गई देने की। एक रिश्ता है निकाह में तीन मर्तबा अल्लाह ताला ने तलाक का हक दिया, एक रिश्ता है निकाह में। ये हरगिज़ मतलब उसका नहीं है कि पहले आप तलाक दें। अच्छा, जो लोगों ने इस्लाह की है पाकिस्तान में उनको भी दाद देनी पड़ती है। उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया है कि आप एक तलाक दें, फिर अगले महीने दूसरी दे दें, फिर अगले महीने तीसरी दे दें। ये क्या चीज़ है? एक ही तलाक, कभी दूसरी का नाम भी किसी आदमी की ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए, सवाए इसके कि वो एक दे के वापस ले चुका हो और अब देना चाहता हो।
ये ड्रामे में जी एक वाक्या भी हुआ था पाकिस्तान में, मियां बीवी ने ड्रामे में तलाक दे दी तो हॉलीवुड ने कहा जी कि तलाक हो गई अब। तो ड्रामे में और जो कुछ होता है वो भी होने देना चाहिए फिर। ताज्जुब की बात है कि उनको सिर्फ ड्रामे में तलाक होती नजर आई, ड्रामे में रोज निकाह भी हो रहे होते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। यानी किसी ने कभी फतवा नहीं दिया। ये जो फतवाबाजी है इससे खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि जितने मामलात भी जिंदगी में पेश आते हैं, एक तो यह है कि आप किसी मौके पर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको तलाक के बारे में बताया या और चीज़ों के बारे में अपना नुक्ता नज़र मैं दलाइल के साथ बयान कर रहा हूँ। किसी शख्स के बारे में किसी को हक नहीं होता कि जब तक वो आके अपना मामला पेश ना करें कि उस पर कोई राय कायम की जाए। मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो दीन को समझने वाले उलमा हैं वाकईतन वो कैसे बिहेव करते हैं। आपको इलम में है कि हिंदुस्तान में एक गालिबन टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्ज़ा, तो बाद उलमा ने उनके लिबास के बारे में फतवा दे दिया कि ये जिस लिबास के साथ टेनिस खेलती हैं वो लिबास नाजायज़ है। तो मैं ख़ुद सुन रहा था और मुझे बड़ी फरत हुई, यानी उस पर एक हंगामा हो गया, कोई कह रहा है कि ठीक है, कोई कह रहा है गलत है। हिंदुस्तान के एक जलीलुल कदर आलिम है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, उनको हिंदुस्तान के एक टेलीविज़न ने लाइन पर लिया और उनसे सवाल किया। आप सवाल जवाब सुनिए। उन्होंने सवाल किया कि मौलाना फ़लाँ फ़लाँ उलमा ने फ़लाँ मदरसे ने फतवा दे दिया है कि सानिया मिर्ज़ा का लिबास इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा सानिया मिर्ज़ा तो मुझसे पूछने के लिए नहीं आई, ये जब वो मेरे पास आएगी तो मैं उससे बात कर लूँगा। आपको बैठे बैठे क्या तकलीफ़ हुई? यानी आपका काम लोगों को एजुकेट करना है, ना कि उनके ऊपर फतवे लगाना आपका काम है। लोगों को आप बताएं इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, उसके आदाब क्या है, उनके बारे में मोहब्बत के साथ शाइस्तगी के साथ लोगों को एजुकेट करें। यानी ये आपको खुदा ने काजी बना के भेजा हुआ है कि आप फतवे लगाएं। जब किसी शख्स को अपने लिबास के बारे में, अपने किसी काम के बारे में पूछने की ज़रूरत पेश आएगी, वो किसी साहिब इल्म के पास चला जाएगा, पूछ लेगा। तो ये बिल्कुल ठीक रवैया है जो अफराद के बारे में इख्तियार करना चाहिए। उसूल में अगर मुझसे पूछा जाएगा कि फ़लाँ चीज़ के बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये कि फ़लाँ आदमी इस हुक्म की खिलाफवर्जी कर रहा है, उसका फ़लाँ काम गलत है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, वो आदमी पूछेगा, देख लेंगे जी।